नगर। दोस्तों, प्रस्तुत कहानी व्यंग प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार ने शहर में अव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। किस प्रकार गांव की भोली भाली जनता के साथ शहर में बदसलूकी होती है। बली अम्माल अपनी लड़की पप्पाती को लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गई। डॉक्टर ने कहा, सुबह की पहली गाड़ी से बड़े अस्पताल पहुंचो। पप्पाती को बुखार था। बली अम्माल बहुत ही देहात गांव की रहने वाली महिला थी। वह इतना भी नहीं जानती थी कि पेशेंट का किसे कहते हैं। जब वह शहर के बड़े अस्पताल में पप्पाती को भर्ती कराती है, तब स्ट्रेचर पर बेहोशी सी पड़ी पप्पाती को घेरे 6 डॉक्टर खड़े थे। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाया एवं पलके उठाकर देखा, फिर बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस। फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टरों ने देखा। बड़े डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। बली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की ओर देखा और पूछा, बाबूजी, बच्ची अच्छी तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, पहले एडमिट करवा लो, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। वहां डॉक्टर धनशेखरन श्रीनिवास को सारी बात समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवास ने बली अम्माल से कहा, ये ले, इस चीट को लेकर सीधी चली जाओ। सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी पर बैठे सज्जन को देना, बच्ची को यहीं लेटी रहने दो। बली अम्माल चीट लेकर सीधे चली गई, पर कुर्सी खाली थी। थोड़ी देर बाद सज्जन अपने भांजे को भर्ती कराकर लौटे। सबको लाइन लगाने को कहा। आधे घंटे बाद बली अम्माल का नंबर आया और उस आदमी ने कहा, इस पर तो डॉक्टर का दस्तखत है ही नहीं, जाओ दस्तखत करवा कर लाओ। और चिट देकर कहा, इसे लेकर सीधे जाकर बाएं मुड़ना, तीर का निशान बना होगा, 48 नंबर कमरे में जाना। बली अम्माल को कुछ समझ नहीं आया, इधर उधर घूमकर एक कमरे के पास गई। वहां एक आदमी ने चीट ले ली। कुछ देर बाद पप्पाती का नाम पढ़कर कहा, इसे यहां क्यों लाई है? ले, इसे लेकर सीधे चली जा। और वह अपने काम में लग गया। फिर कुछ देर बाद एक आदमी को बली अम्माल के साथ लगा दिया। बली अम्माल उसके पीछे पीछे दौड़ती चली गई। वहां बड़ा भीड़ था। एक आदमी ने चीट रखकर आधे घंटे बाद नाम पुकार कर कहा, इस समय जगह नहीं है, कल सवेरे 7 बजे आना। बली अम्माल चक्कर काट कर सीढ़ी के पास पहुंची तो दरवाजा बंद था। इसी में उसकी बेटी स्ट्रेचर पर पड़ी दिखाई दी। पास वाले आदमी से गिड़गिड़ा कर बोली, दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। उसने कहा, सब बंद हो चुका है, 3 बजे आना। इसी बीच एक आदमी ने पैसे देकर दरवाजा खुलवाया। बली अम्माल भीतर दौड़ पड़ी
और पप्पाती को कलेजे से लगा कर बाहर आई। फिर ब्रेंच पर बैठकर खूब रोई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले दिन सुबह तक ये क्या करे। फिर सोचा, इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस चली जाती हूँ, वैद्य जी को दिखा दूंगी, माथे पर मिट्टी का लेप कर दूंगी और पप्पाती ठीक हो जाएगी। अगर पप्पाती ठीक हो जाएगी तो बद्रीनाथ जी के मंदिर जाकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। और वह साइकिल रिक्शा पर बैठ बस स्टैंड की ओर चली गई। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार बड़े डॉक्टर के आदेश के बाद भी पप्पाती को एडमिट नहीं किया जाता है, बड़े डॉक्टर की आदेश की अवहेलना की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर की व्यवस्था अति अस्त व्यस्त है, जहां पैसे पर सब खेल होता है। गरीब ग्रामीणों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। धन्यवाद।